हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज का नमस्कार। आज हम आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है मेंडल ऑब्जर्वेशन। एक्चुअली मेंडल साहब ने जो भी वर्क किए थे उस वर्क के बाद उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला था उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आप देखिएगा कि मेंडल ने जो ऑब्जर्व किया, जो कुछ उन्होंने वर्क किया उसमें उन्होंने क्या देखा क्या पाया। ये देखिए, मैंने इसको 5 पॉइंट्स में इंडिकेट किया है। पहला, एबन प्रोजेनी ऑलवेज रिजेंबल्ड टू वन ऑफ द पेरेंट्स एंड द ट्रेट्स ऑफ द अदर पेरेंट्स आर नॉट सीन। इन्होंने इसमें बताया है कि जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे इसमें आप देखिएगा, ये पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स हैं, ये डॉल है, ये डॉक्टर है, ये दोनों पेरेंट्स हैं। दोनों मिलकर के एबन जनरेशन में जो रिजल्ट निकलते हैं या ऑफस्प्रिंग जो निकलता है वो टॉल होता है। तो टॉल जो होता है तो ऊपर पेरेंट से किसी एक से मिलता है, दोनों में से कोई एक से रिजेंबल करता है, जबकि दूसरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर देखिएगा कि प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ के बीच जब क्रॉस कराया गया तो एबन जनरेशन में टॉल ही नजर आया। तो दूसरा गुण कहाँ गया ये उन्होंने देखा। ये देखिएगा, वन ऑफ द पेरेंट्स रिजेंबल वन ऑफ द पेरेंट्स, जो एवन जनरेशन में आता है दोनों में से एक पेरेंट्स का होता है जबकि दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। ये पहला ऑब्जर्वेशन होता है। दूसरा, एफ टू स्टेज एक्सप्रेस्ड बोथ द पेरेंटल ट्रेट्स इन द प्रोपोर्शन 3:1। जब इसको इस जनरेशन एवन जनरेशन को सेल्फिंग कराई गई, इसी में क्रॉस कराया गया, उसी बीज को क्रॉस कराया गया तो देखा गया कि जो एफ टू जनरेशन में आया, ये एफ टू जनरेशन है आपका, ये एफ टू आ गया, तो जो F2 जनरेशन में देखा गया तो 3:1 का रेशियो आया। 3:1 का रेशियो का मतलब होता है कि दोनों पेरेंट्स क्लियरली दिखाई देने लगे। F2 स्टेज एक्सप्रेस या F2 जनरेशन ये बताता है कि दोनों पेरेंट्स आर ट्रेड्स आर प्रेजेंट बट प्रोपोर्शन इज 3:1, यानी तीन लंबे हुए एक छोटे हुए। यानी कि जब पेरेंटल सुर में प्योर टॉल से प्योर डॉर्फ के बीच कम्बिनेशन कराया गया तो जो एवन जनरेशन आया था वो दो में से किसी एक से आया, एक दिखाई नहीं दिया। कहने का मतलब हुआ टॉल आया तो डॉर्फ कहाँ गया। तो इस बात को जानने के लिए एवन जनरेशन में सेल्फिंग कर दिया गया। सेल्फिंग का मतलब होता है उसी में शादी कर दिया गया, फिर उसी से एफ टू जनरेशन क्रॉस कराया गया। जब एफ टू जनरेशन किया गया तो देखा गया कि दोनों पेरेंट्स अपियर हुए लेकिन उनका रेशियो 3:1 था। यही से बताया गया, पहला तो सीन नहीं हुआ, दूसरा 3:1। द कंट्रास्टिंग ट्रेड्स डिड नॉट शो एंड ब्लेंडिंग। एक खास बात ये देखा गया कि जो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स है, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं जिसे टॉल और डॉर्फ हमने लिया, तब टॉल एंड डॉर्फ ये हाइट कैरेक्टर का दो है। तो दोनों जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, एक टॉल और डॉर्फ दोनों का, तो ये ब्लेंडिंग नहीं हुआ, ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से अलग है। ऐसा नहीं है कि टॉल एंड ड्वार्फ मिल करके एक मिडिल लेंथ का पौधा तैयार करता है, ऐसा नहीं है। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर डिड नॉट शो द ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग ये तो मिलता नहीं है। एंड आइदर एवन और एफ टू, दोनों के एवन जनरेशन में एफ टू जनरेशन में दोनों जनरेशन में ये दोनों कैरेक्टर मिलते नहीं है। अब आप नंबर 4 पर जाइएगा, एक द हैबिट क्रॉस लेटर ऑन, इसे मोनो हाइब्रिड के रूप में जानिए। मेंडल साहब ने दो हाइब्रिड किया था, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक डाय हाइब्रिड क्रॉस, जो बाद में हम एपिसोड में करेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 3:1 आया, जब डाय हाइब्रिड क्रॉस उन्होंने किया तो डाय हाइब्रिड क्रॉस में दो दो कैरेक्टर को लिया गया। ही गॉट आइडेंटिकल रिजल्ट इन द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दो दो कैरेक्टर, दो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया, लेकिन जो रिजल्ट आया वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ही जैसा आया। यानी इसमें 3:1 का रेशियो था तो इसमें जो लाया गया 9:3:1 का रेशियो आया, यानी इसका जो रिजल्ट था वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ही समान था। ही फाउंड दैट, उसने पाया कि फिनोटाइप्स एफ टू जनरेशन अपियर इन द रेशियो ऑफ 9:3:1। तो ये मेंडल साहब का ऑब्जर्वेशन था। इसमें एक बार और मैं रिपीट कर दूं, ऑब्जर्वेशन में देखा गया है कि जब दो प्योर पेरेंट्स को क्रॉस कराया जाता है जो कंट्रास्टिंग है,
तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही का कैरेक्टर अपीयर होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको सेल्फिंग करके F2 जनरेशन करते हैं तो उसमें दोनों का कैरेक्टर अपीयर हो जाता है, दोनों का गुण अपीयर हो जाता है, लेकिन उसका रेशियो 3:1 होता है। इसमें खास बात उन्होंने ये देखा कि वो कैरेक्टर या जो भी हो, कोई भी दो कैरेक्टर एक दूसरे से मिलते नहीं है, ये भी उन्होंने ऑब्जर्व किया। जब डायहाइब्रिड क्रॉस में देखा तो डायहाइब्रिड क्रॉस का क्या रिजल्ट निकलता है, तो उन्होंने ये भी देखा कि डायहाइब्रिड क्रॉस में रिजल्ट वही निकलता है जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का था। यानी उन्होंने ये पाया कि जब डायहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो उसका रेशियो 9:3:1 आता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने सिंगल कैरेक्टर को किया था क्रॉस, जबकि डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने डबल कैरेक्टर का क्रॉस किया, टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर किया, इसलिए उसका रेशियो 9:3:1 आया। यहाँ पर देखिए ये प्योर टॉल हो गया, ये प्योर है और ये भी प्योर है, ये दोनों प्योर प्योर है, प्योर टॉल है और प्योर ड्वार्फ है, ये टॉल में आ गया, टॉल हो गया DWARF। लेकिन इसमें देखिएगा जब ये कैरेक्टर आया तो शुरू में तो उनको पता नहीं था, लेकिन ये भी लंबा ये छोटा, यहाँ लंबा आया तो लंबा आया तो दोनों में से पेरेंट्स किसी एक का आया, तो उनको पता दिमाग में नहीं काम किया कि वह तो छोटा कहाँ गया, तो इसीलिए उनको सेल्फी कराया तो देखा कि F2 जनरेशन में जो ड्वार्फ है छोटा वाला वो अपीयर हो जाता है, लेकिन उसका रेशियो 1:2। लेकिन अगर हम जेनेटिफिकली देखते हैं तो उसमें 1:2:1 आता है। देखिए ये प्योर है, ये भी प्योर है और ये दोनों हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब होता है उसमें टॉल एंड ड्वार्फ दोनों का कैरेक्टर है। तो जेनेटिफिकली 1:2:1 जब जीन के आधार पर देखा गया तो, लेकिन जब फिजियोलॉजिकली देखा गया, बाहर से देखा गया तो 3:1 का रेशियो। इस तरीके से ये मेंडल्स का ऑब्जर्वेशन है, इसे आप अच्छी तरीके से ध्यान देंगे, पढ़ेंगे और मेरा हर एपिसोड आप पढ़िए और कमेंट करने की कोशिश करिए और बताइए। थैंक यू।